मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। दो दिन होने वाली पीएम की इस वर्चुअल बैठक का आज दूसरा दिन। सभी मुख्यमंत्रियों से अनलॉक और कोरोना संक्रमण के हालात के संबंध में चर्चा कर रहे हैं पीएम। बीते दिन 21 राज्यों के साथ की थी चर्चा, आज बैठक में 15 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। भारत और चीन के बीच बढ़ा तनाव। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच आज भी होगी बातचीत। गलवान घाटी के पास भारत चीन के सैनिकों में हुई थी हिंसक झड़प। झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर, दो जवान शहीद। चीनी सैनिकों के मारे जाने की भी है खबर। मध्य प्रदेश में राजनीति का दंगल आज से शुरू। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को तीन दिन पहले ही बुलाया भोपाल। आज से होगी बीजेपी विधायकों के साथ सीएम शिवराज की बैठक। कल यानी 18 जून को रखी गई है ट्रेनिंग, जिसे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश भाजपा के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे करेंगे संबोधित। 19 जून को होने वाले हैं राज्यसभा के चुनाव। तीन सीटों पर चुनाव से पहले राजस्थान में चुनावी सरगर्मी हुई तेज। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जेडब्ल्यू मैरियट रिजॉर्ट में किया शिफ्ट। आज विधायकों के लिए होगा मॉक पोलिंग का आयोजन। बीते दिनों होटल में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई थी आयोजित। उत्तर प्रदेश को आज मिलेंगे 20 अपर मुख्य सचिव। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आज प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव के 20 पदों पर पदोन्नति देने के लिए होगी डीपीसी। नियुक्ति विभाग ने इसके लिए तैयारियां की शुरू। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली डीपीसी में साल 1988 बैच के 10 और साल 1999 बैच के 11 आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नति का रखा जाएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड में आज होगी कैबिनेट की बैठक। रोजगार और प्रवासियों को लेकर हो सकते हैं जरूरी फैसले। इससे पहले 29 मई को हुई थी कैबिनेट की बैठक। बैठक के अगले दिन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने से मच गया था हड़कंप। महाराज के संक्रमित होने से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीन मंत्री मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत को होना पड़ा था होम क्वारंटीन। आज से कर्नाटक सड़क परिवहन निगम चरणबद्ध तरीके से आंध्र प्रदेश के लिए चलाएगा अंतर्राज्यीय बसें। अंतर जिला बस सेवाएं शुरू करने के लगभग एक महीने के बाद परिवहन निगम ने कहा, कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर चलाई जाएंगी गैर वातानुकूलित बसें। अगले हफ्ते से तेलंगाना के लिए फिर से शुरू हो सकती हैं बसें। जम्मू विश्वविद्यालय में नए कोर्सेज पर आज लगेगी मुहर। सिंडिकेट की बैठक का इंतजार। सिंडिकेट विश्वविद्यालय की बड़ी बॉडी है जिसमें लिए जाते हैं फैसले। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों पर सिंडिकेट में लगती है मुहर। सैमसंग का नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A21s आज भारत में होगा लॉन्च। सैमसंग इंडिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। सैमसंग गैलेक्सी A21s इस साल आए गैलेक्सी A21 का होगा अपडेटेड वर्जन। मौसम विभाग का अनुमान, राजधानी दिल्ली, हरियाणा, यूपी में अगले तीन दिनों में तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश। गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत।